हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं कि हमें फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क जो कि सीमेंट मोर्टार 1:3 के मिक्स के लिए फाउंडेशन और प्लिंथ में 1 क्यूमिक क्वांटिटी के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना वाटर के चार्जेस लगेंगे, सेंडर्स कितने लगेंगे और प्रॉफिट हम कितना लेते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सीमेंट मोर्टार 1:3 फॉर फाउंडेशन एंड प्लिन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखा पर्टिकुलर्स लिख देता हूँ, ओके, जो कि रहेगा। सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे, ओके, मटेरियल्स, ओके। सेकंड वन आएगा आपका लेबर, ओके। थर्ड वन आएगा आपका इन दोनों का टोटल मटेरियल और लेबर, एम प्लस एल बोल देता हूँ। देन फोर रहेगा आपका वाटर चार्जेस और उसको इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी भी बोलेंगे, ओके। देन फिफ्थ नंबर पे आएगा अपना सन्ड्रीज, ओके। देन आएगा आपका ओवरहेड प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हो गए। नाउ अभी हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, ठीक है। आपको उसका रेट कैसे पता करना है, उसकी कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी और यहाँ पे रिमार्क, ठीक है। तो देखो मटेरियल कौन कौन से आते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क के लिए। आएंगे आपका सीमेंट, ओके, फिर आएगा आपका सैंड और बाद में आएगा आपका ब्रिक्स, राइट। लेबर कौन कौन से लगेंगे वो आपको बताता हूँ। वो लगेंगे आपको बेलदार, ओके, फिर लगेगा आपको कूली, ठीक है, फिर लगेगा आपको भिस्ती, फिर लगेगा आपको मेसन सेकंड क्लास, ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताऊंगा। सीमेंट बैग जो 1:3 मिक्स के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क फॉर फाउंडेशन और प्लिन के लिए जो लगती है फॉर 1 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन के लिए, वो लगेगी आपको 2.55 बैग्स, ठीक है। सैंड जो लगेगी वो आपको लगेगी 0.267 क्यूमिक। नंबर ऑफ ब्रिक आपको लगेगा 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको लगेगा। सिमिलरली लेबर के बारे में कैसा रहेगा, बेलदार जो आपको लगेगा वो लगेगा आपको 0.70 फॉर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मीटर क्यूब। कुली जो लगेगा वो लगेगा आपको 0.70, ठीक है। जो बिस्ती लगेगा वो लगेगा आपको 0.20 और जो मेसन सेकंड क्लास जो लगेगा वो लगेगा 0.60। तो टोटल इन दोनों की मतलब मटेरियल और लेबर की जो आप एडिशन करेंगे वो एडिशन आप क्या यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर इस टोटल का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, फिर इस टोटल का आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेंगे 1.5%, ओके, मतलब टोटल मल्टीप्लाई बाय 1.5% तो आपको एक वैल्यू मिलेंगी। फिर सन्ट्रेज जो रहता है वो ब्रिकवर्क के लिए आप लेंगे इस टोटल का 3%, मतलब 3% मल्टीप्लाई बाय टोटल तो आपको एक कॉस्ट मिलेगी। फिर ओवरहेड और प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट रहता है कॉन्ट्रैक्टर का वो ब्रिकवर्क के लिए मतलब 1:3 टोटल कंस्ट्रक्शन के लिए वो रहता है 15-20%। तो 15-20% में से दोनों एक वैल्यू को यूज करके आप टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉस्ट मिलेगी। तो दिस कॉस्ट प्लस इसको 2 नंबर बोलता हूँ, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। सो टोटल कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन नथिंग बट इक्वल्स टू कॉस्ट फॉर 1:3 सीमेंट मोर्टार ब्रिकवर्क, ये रहेगा 1+2+3+4, ठीक है। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब टोटल कॉस्ट प्लस 3 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट प्लस
3% ऑफ टोटल कॉस्ट प्लस 15-20% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो ये जो ओवरऑल कॉस्टिंग रहेगी इससे आपको मिलेगा कितना पैसा आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करने के लिए लग रहा है ऑफ 1:3 सीमेंट मोर्टार फॉर इन फाउंडेशन एंड प्लिन। तो ये वेरी इजी है, आपको सिर्फ रेड कॉलम में जो भी रेट चालू है सीमेंट बैग का वो डाल दो, जो भी साइन का रेट चालू है पर क्यूमिक का, एक क्यूमिक के लिए कितना है वो डाल दो, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर आपको यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी। ये आपको यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी 1000 नंबर एक ब्रिक का रेट डाल दो, या फिर वो नॉर्मली 500 ब्रिक का भी रेट डालते तो वो डाल दो, वैसे एक ब्रिक का रेट वो बता देते तो उसको मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली हर रीजन के हिसाब से लेबर्स के रेट वैरी होते हैं, तो आप वैरी लेबर के रेट यहाँ पे डाल दो तो आपको यहाँ पे मेन वैल्यू मिल जाएंगी। फिर इन सब के एडिशन करके उसके 1.5% की एक वैल्यू, 3% की एक वैल्यू और 15-20% की एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मुझे जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम वैल्यू में यहाँ पे इन टर्म ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट फॉर सीमेंट मोटर 1:3 ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये सारा डाटा साइट पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ चेंजेस होगा तो रेट चेंज होगा, ठीक है, तो रेट के हिसाब से आपका कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ये काम करना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपने साइट पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो हैव अ नाइस डे, अगर मेरा वीडियो आपको पता अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।